मेरे आज के जो मेहमान हैं उनकी अपनी दुकान खुल चुकी हुई है और इस दुकान को अगर प्रॉपर तरीके से मार्केट किया जाए तो बहुत बड़े बड़े जनरल स्टोर बंद हो जाएंगे यहाँ पे भी चैनल आ गए क्या करें <laughs> जहाँ डबरूटी से लेके दूध से लेके खाद से लेके हर चीज़ जो है खैर वो तो अपनी जगह पर है आ, फौजी मीट भी है आ, वो आ, फैक्ट्री में अनफॉर्चुनेटली वो पाँच मिलियन डॉलर की फैक्ट्री थी सतर मिलियन डॉलर में लगी मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ लेकिन फौजी फ़र्टिलाइज़र और फ़ौजी फाउंडेशन मेरा कस्टमर तो है सुनता रहता तो गलत डिसीजन इंसान से ही होते हैं। इंसान गंतली का पुंतला है और आज जो मेरे साथ हैं मेहमान इससे पहले कि उनका नाम लूँ मेरे कोई दोस्त हैं मोमिन उनमें से एक हाजिर वक्त भी है एक हाजिर सर्विस है वो डीएचए के साथ काम कर करके फूल बल्कि श्रिंक हो गया थोड़ा सा जाफरी तो इन ये इनका त्लुक तो सहाफत से था होगा है भी सही लेकिन इन्होंने बीच में ऐसे ऐसे यू टर्न लिए इतने बड़े यू टर्न तो पिछले गुमते भी नहीं लिए थे मुझे आज तक समझ नहीं आया मैं इनका सबसे बड़ा फ़ैन हुआ था जब मैंने इनकी लिखी हुई स्टोरीज भूत प्रेत के बारे में पढ़ी थी उससे पहले उन कहानियों को पढ़ने से पहले मैं समझता था कि सिर्फ मेरे दोस्त ही हैं जो उस भूत प्रेत होने में क्वालिफाई करते हैं बट बाद में पता चला वाकई होते हैं माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बिलीव के होते हैं लेकिन एक अजीम शख्सियत जिनका ताल्लुक सहाफ़त से उस वक़्त से नाइन्टीज से ये इन्वॉल्ड है जर्नलिज्म में जो बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रोफेशन में आने से पहले सोचा करते थे वैसे भी अर्ली नाइन्टीज़ और लेट एटीज़ का टाइम बड़ा कराची शहर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता था बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी आ, आ, कोई ए सिक्सटी नाइन से लेके नाइन्टी तक पार्टीज ही चली हैं मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूँ लेकिन सोचना आप पे आपकी आज़ादी आपका जो चाहें आप सोच सकते हैं हर प्रैक्टिकली हर बड़े टेलीविजन चैनल से न्यूज़ से उन अखबारों से मैं मैंने कभी मानने में आर् नहीं समझी कि मेरे घर पे अम्मी पाखीज़ा डायजस्ट पढ़ती थी खातिन डायजेस्ट पढ़ती थी तीन औरतें तीन कहानियाँ सो आई हैव ग्रोन अप रीडिंग ऑल ऑफ दिस और शायद इसी वजह से मेरा सबकॉन्शस में जो शोर में औरतों की कहानियाँ वो बिला तरतीब बेतरतीब काफ़ी तरतीब में है खालिद फिर साहब आज मेरे मेहमान हैं और एक अजीम शख्सियत हैं और अब वो मेरी जगह लेने वाले हैं अनकरीब बिकॉज ही इज़ टॉकिंग एंड टैम मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है बुज़ुर्गों से तो मैं हमेशा सुनता हूँ आज अपने हम उम्र भाई से छोटे भाई से बड़े भाई से पता ही नहीं अलग ख़ालिद भाई भाई अली भाई वालेकम और मेरे लिए बड़े इज़्ज़त का मकाम है कि आपने मुझे अपने इस शो में बुलाया आई एम ऑन इट इसमें इतनी अच्छी अच्छी शख्सियात आती रही हैं और मैं इसको देखता रहता हूं बड़ी पाबंदी के साथ और मुझे इस पूरे आपके इंट्रो में जो कमी महसूस हुई वो ये थी कि नाम ही काफ़ी है तो वो आप बड़े मजे से कहते हैं देखिए हुसन और बाजार हुसन में यही फर्क होता है कि कुछ चीजें <laughs> बाजार हुसन के लिए रखी जाती हैं यानी मार्केटिंग के लिए बाकी तो आज... ये कि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जो है और मैं इसमें अपने आप को